कैप्टन कैप्टन नाम क्या है? नवीन कवीन। दोनों कैप्टन से मिलते हुए गोम सर, टॉस उनके हाथों में और वहां पर टॉस उछाल दिया गया है। केसी क्रिकेट लवर्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया। धन्यवाद गोम सर। यह आज का अंतिम मैच है, वैशाली विरुद्धा केसी क्रिकेट लवर्स। ये मैच छह छह ओवरों का खेला जा रहा है। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है केसी क्रिकेट लवर्स के कैप्टन कविन ने। हेलो, बॉक्स क्रिकेट लीग 2023 सीजन दूसरा, भारत डायमंड स्पोर्ट्स लीग के अंतर्गत दूसरा सीजन खेला जा रहा है। दोनों ही कैप्टन से अनुरोध है कि कृपया एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर भेज दें, जिससे कि ऑनलाइन स्कोरबोर्ड और हमारे बीच श्री संदीप सर हैं।
आज ये अंतिम मैच वैशाली विरोधा वर्सेस कैसी क्रिकेट लवर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। वैशाली विरोधा 4 मैच खेले हैं और सभी मैचों में जीत कर आज ये 5वें मैच पर आए हैं। दोनों ही टीम के सुजीत और प्रथमेश ओपनिंग के तौर पर आ चुके हैं। केसी क्रिकेट लवर्स ने अभी तक एक मैच खेला है, आज उनको जीत की उम्मीद, लेकिन वहीं पर सामने एक तगड़ी टीम जो कि सभी मैचों को जीतकर आज टॉस हारने के बाद बैटिंग करती हुई मैच प्रारंभ होता हुआ पहला ओवर लेके आए हैं मुनीत। स्ट्राइक पर प्रथमेश, मुनीत साहा। पहली गेंद कारपेट के सहारे सीधा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन पर 1 रन, खाता खुला। फुल टॉस गेंद और इस बार 4 रन, स्कोर 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की गेंदबाजी पुनीत के द्वारा जारी, नो बॉल और वहां पर कैच है, लेकिन ये नो बॉल 1 रन अतिरिक्त, 1 रन दौड़कर 2 रन, स्कोर 7 रन। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन 8 रन बिना विकेट के। फुल लेंथ के सीधा वही फील्डर, रिपीट शॉट 1 रन, स्कोर जा पहुंचा 9 रन। प्रथमेश इसको अगली गेंद, फुल टॉस और ये सिक्सर। कैच भी हो सकता था, दो फील्डरों से टच होते हुए गेंद सिक्सर चली गई। नो बॉल, 15 रन, इसके बाद ये 2 रन और स्कोर जा पहुंचा 17 रन। महंगा ओवर होता हुआ कारपेट के सहारे 1 रन, 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 18 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत वैशाली विरोधा, दोनों ही ओपनर बैट्समैन सुजीत प्रथमेश अब आए हैं, कैप्टन कविन सामने हैं। सुजीत नो बॉल हाफ किच, वहां पर अंपायर का इशारा 4 रन, नो तो 5 रन, स्कोर जा पहुंचा 23 रन। अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में खुद फील्ड की कैप्टन कविन। अंपायर का इशारा नो बॉल, हाफ पिच नो बॉल, लाइन के इस साइड गिरने पर नो बॉल करार दिया जाता है। और बहुत ही अच्छा कैच,
करण ने बहुत ही शानदार फील्डिंग और आउट होकर प्रथमेश जा चुके हैं। स्कोर है 25 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर गेंदबाजी जारी है। अब आए हैं जीत कोठारी कविन गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद। एक रन स्कोर जा पहुंचा 26 रन। जिस विकेट की जरूरत थी कविन ने वो विकेट दिलाया है। स्ट्राइक पे होंगे अब सुजीत। फुल टॉस गेंद और ये सिक्सर। स्कोर जा पहुंचा 32 रन। फुल टॉस गेंद और वहां पर जीत कोठारी के शरीर से जा लगी, सर पे जा लगी। एक रन। बैट्समैन बोल रहे हैं कि अगर आपको न लगता तो 6 रन होता, लेकिन वो सुरक्षित क्रीज पर हैं। और इसी बीच अगली गेंद, एक रन, ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन 34। पहले ओवर में 18 रन आए थे, दूसरे ओवर में 16 रन आए सिद्धार्थ। और वहां पे कैच कर लिए गए। निकुंज ने वहां पर कैच किया सिद्धार्थ गेंद पर। विकेट नंबर दूसरा। ये आज का अंतिम मैच वैशाली वीरो था वर्सेस कैसी क्रिकेट लवर्स। अब आ रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए कुणाल। स्ट्राइक पे कुणाल, नॉन स्ट्राइक पे सुजीत। सिद्धार्थ बॉलिंग मार पर। और बहुत अच्छी गेंद, घूमी गेंद, गिरने के बाद टर्न ली गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस बार अंपायर का इशारा, नो बॉल। एक रन दौड़कर कमर के ऊपर ज्यादा। इस ओवर की अंतिम गेंद, फुल टॉस गेंद और ये 4 रन आगे निकलकर ओवर की समाप्ति। आगे निकल आए थे, क्रीज छोड़ दिए थे, फुल टॉस बनाकर गेंद को सीधा खेला 4 रनों के लिए। अब आए हैं करण, 48 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति पर। अंपायर का इशारा, नो बॉल। एक रन दौड़कर इसी के साथ 50 रन पूरे। वहां पर मिसफील्ड हुआ, दूसरा रन ले चाहते थे लेकिन मना किया। हम आपको बता दें सुजीत 13 बॉल पर 31 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। और ये बॉक्स आउट। स्कोर 51 51 रन 3 विकेट। अब आए हैं अनीस बॉलिंग मार्क पर। करण, फुल लेंथ गेंद थी, कलाइयों का प्रयोग। एक रन स्कोर जा पहुंचा 52 रन। ये चौथा ओवर जारी। फुल टॉस बनाकर सीधा खेला है वहां पर, अंपायर का इशारा 4 रन। स्कोर
56। और अगली गेंद वहां पर दूसरा रन लेना चाहते हैं गफलत में, लेकिन सही सलामत दोनों ही बैट्समैन अपने क्रीज पर। स्कोर 58, 58 रन। फील्डिंग में कुछ बदलाव, करण सीधा खेला वहां पर, एक रन सही संतु जाना पड़ेगा, रन आउट। स्कोर है 59, दूसरा रन ला चाहते थे उस पे आउट हुए। 59 रन 4 विकेट। ये आज का अंतिम मैच है वैशाली विरोधा वर्सेस कैसी क्रिकेट लवर्स। अब आए हैं प्रशांत जाधव, हमारे अंपायर प्रशांत जाधव जो अंपायरिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पे हैं प्रशांत जाधव जो कि कैप्टन। अब आए हैं बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद गेंद गई थर्ड मैन पर, फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन। स्कोर जा पहुंचा 60 रन। केविन की अगली गेंद वहां पर पॉइंट की तरफ गेंद गई, एक रन। दूसरा रन ले चाहते हैं, मना किया। स्कोर है 61 रन 4 विकेट। अब बहुत अच्छी गेंद, अंपायर ने वार्निंग दिया, तेज गेंद नहीं फेंक सकते। और इस बार फुल टॉस गेंद और सिक्सर। गेंद को खेला मिड ऑफ की दिशा में, एक रनों के लिए। स्कोर है 68, ये अंतिम बॉल इस ओवर की। वहां पर करण मौजूद, एक रन। सिक्सटी नाइन 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। 40 रन बनाकर सुजीत स्ट्राइक पे होंगे इस 69 रन में। 69 रनों में 40 रन बनाकर सुजीत ओपनर के तौर पर आए थे। और वहां पर ये कैच बहुत आसान सा कैच था, लेकिन कैच छूटा। सुजीत को जीवन दान, उनका निजी स्कोर 41 रन। वैशाली विरोधा का स्कोर 70। इसी बीच एक रन और, स्कोर जा पहुंचा 71। लॉस ऑफ 4 विकेट, 6 ओवर इन प्रोग्रेस। गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर, मिड ऑफ की दिशा में खेलकर, सॉरी मिड ऑन की दिशा में खेलकर, एक रन। अगली गेंद कलाइयों का प्रयोग, एक रन। दूसरा लेना चाहते हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 74 रन। और ए बॉक्स आउट, प्रशांत जाधव बॉक्स आउट होकर पवेलियन जाते हुए। लेकिन हमारे अंपायर प्रशांत जाधव अभी भी डटे हुए। आज ये इस इनिंग की अंतिम गेंद, वहां पर एक रन, दूसरा रन लिया है, दूसरा रन कंप्लीट कर लिए। 76 पर 5 विकेट ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों में बनाए हैं 76 रन, 77 रन बनाने होंगे और एक अच्छी बैटिंग का नजारा दिखाना होगा। कैसी क्रिकेट लवर्स, स्कोर कार्ड स्कोर कार्ड इस प्रकार। प्रथमेश 5 बॉल 9 रन, सुजीत 20 बॉलों पर 42 रन, 4 चौके 2 सिक्सर, 77 रन बनाने हैं 6 ओवरों में। अभी तक 4 मैच खेली है
वैशाली वीर योद्धा और चारों में विजय हासिल हुआ है प्रवीण और निकुंज। निकुंज होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर प्रवीण, अंपायर का गार्ड होता हुआ प्रशांत प्रथमेश संयम। पहली गेंद और सिक्सर, सिक्स। ऐसी ही शुरुआत की जरूरत। फुलर लेंथ गेंद और तीस थ्रो, विकेट पे लगता तो कुछ बात बनती। फिलहाल एक रन स्कोर जा पहुंचा, सात रन प्रथमेश। बहुत अच्छी गेंद, गेंद हाथ में नहीं आई, विकेट कीपर ने स्टैम्प गिरा दिया। प्रवीण प्रथमेश की गेंद प्रवीण को और पहुंच चुके थे क्रीज पर, अंपायर ने नॉट आउट दिया। दोनों ही अंपायर प्रशांत यादव और सुमित पवार, काफी अच्छा अभी तक डिसीजन रहा है उनका। और ये कैच, आठ रन पर पहला विकेट, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 13.35 प्रति ओवर। अब आए हैं मुनीत। अच्छी गेंद, पैरों पर एक रन लेना चाहते हैं, अगर सीधा थ्रो लगता तो आउट होते, लेकिन फिलहाल सुरक्षित मुनीत। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 9 रन एक विकेट के नुकसान पर, 77 रन बनाने हैं, रिक्वायर्ड रन रेट 13.36। कुणाल के सामने मुनीत, गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन स्कोर 10 रन। प्रवीण को, गेंद को खेला है, वहां पर कमेंट्री बॉक्स से गुजरती हुई गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन स्कोर जा पहुंचा 11 रन। और ये कट लगता हुआ, बोल्ड हो गए, प्लेड ऑन, गेट बल्ले से लगती हुई स्टंप पर जा लगी, 11 रन 2 विकेट। अब आए हैं करण, काफी कुछ निर्भर करेगा उनकी बल्लेबाजी पर। कुणाल की गेंद करण को, बहुत ही सीधा और अंपायर का इशारा आउट, और वहां पर शानदार कैच सुजीत के द्वारा, शानदार कैच, सभी दर्शकों ने इनका स्वागत और अभिनंदन किया। कुणाल हैट्रिक पर, सुजीत जॉन्सी रोड का याद दिलाते हुए, हैट्रिक बॉल सभी संभावनाओं को वहां पर समाप्त किया, डॉट बॉल 11 रन 3 विकेट। फुल टॉस गेंद बनाकर खेला, वहां पर सुजीत मौजूद, एक रन से ही संतुष्ट। 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन 3 विकेट, 3 रन अतिरिक्त के रूप में आए हैं कैप्टन कविन। अब स्ट्राइक पे होंगे, सामने प्रथमेश, उनका ये दूसरा ओवर,
गेंद पैरों पर लगी, डॉट बॉल, स्कोर है 12 रन। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेता हुआ थर्ड मैन की तरफ, जाकिर जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन चहलकदमी करते हुए, स्कोर 13 रन। तीसरा ओवर जारी, सामने है प्रवीण। एक अपील है, अपील को नकारा, स्कोर है 13 रन 3 विकेट। तीसरा ओवर, 77 रन बनाने हैं, 21 बॉलों पर 64 रन चाहिए। इस बार फिर अंदरूनी किनारा, डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट बॉल इसमें, और वहां पर गेंद बैट्समैन के जा लगी, शरीर से छिटकती हुई पॉइंट की तरफ गई, 1 रन इस ओवर का। और बहुत ही अच्छा, इस बार वही प्रयास था, लेकिन कैच जमीन पर बॉल जा लगी थी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा, सभी दर्शकों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। स्कोर है 15 रन 3 विकेट 3 ओवर, रिक्वायर्ड रन 20.67। कुणाल गेंद को खेला है और ये कैच आउट। प्रशांत जादव के हाथों से कैच करा लिए गए, अंपायर मुस्कुराते हुए, हम तो एम्पायरिंग कर रहे हैं। इसी बीच बैट्समैन आए हैं निकुंज, और सीधा गेंद, वहां पर प्रथमेश मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर है 16 रन। कुणाल फुल लेंथ गेंद, कलाइयों का प्रयोग, गेंद को खेला ऑन साइड पर, स्कोर जा पहुंचा 17 रन। कुणाल की अगली गेंद और सिक्सर, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाएगी तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये मैच है, सभी दर्शक जानते हैं। इस बीच 1 रन सिंगल, इस ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर है 24। फुल टॉस गेंद को खिला सीधा, वहां पर प्रथमेश मौजूद है, 1 रन और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 26, 4 विकेट के नुकसान पर। अगर हम बोले कि 12 गेंदों पर 51 रन, तो युवराज की पारी याद आती है, और सामने हैं निकुंज और कैप्टन मुकेश बॉलिंग मार पर, और गेंद को 1 रनों के लिए खेला, स्कोर जा पहुंचा 27 रन। यहां पर गेंद को खेला है, वहां पर सिक्सर, प्रवीण भले ही राइट हैंड बैट्समैन है, लेकिन रिंकू सिंह की याद दिला दी है, क्या हो सकता है। इसी बीच वाइड बॉल, स्कोर जा पहुंचा है 34 रन और आउट। इस समय स्कोर है 34 रन 5 विकेट, तो रन रेट में काफी सुधार और अच्छा रन रेट मिल जाएगा वैशाली वीरोद्धा को, अगर अच्छे रनों से जीतते हैं। वहीं क्रिकेट लवर्स को
अंतिम ओवरों तक खेलना होगा। इसी बीच अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे, बीट हुए कैप्टन मुकेश बॉलिंग मार्क पर, और अंदरों ने किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में जाकिर, जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और चौथे पांचवें स्टैम्प से होकर यही अंपायर का इशारा ओवर। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 34 रन, 6 बॉल पर 43 रन। सुजीत बल्लेबाजी अच्छा किया, 42 रन बनाए, फील्डिंग अच्छा किया, 2 कैच लिए। अब कैप्टन ने बोला कि बॉलिंग के लिए भी आप आ जाइए और अपनी ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाइए। इसी बीच अगली गेंद फुल टॉस, 4 रन। स्कोर 38 रन और 6। क्या निकुंज की पारी पहले खेली गई होती या पहले भेजे गए होते, 6 बॉल पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक जान, एक उम्मीद बनाकर रखा हुआ है इस समय निकुंज ने, मैच को एक तरफा नहीं होने दिया है और गेंद को खेला सीधा। स्कोर जा पहुंचा 45 रन और ये रन आउट, छठा विकेट गिरता हुआ। अब आए हैं संजय, संजय आए हैं अंतिम विकेट के रूप में और एक ही विकेट चाहिए। सीधा खेला और पहुंच चुके हैं अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, लेकिन कोशिश रहेगी कि ऑल आउट ना हो, रन रेट पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वहीं पर वैशाली वीरोद्धा एक योद्धा की तरह खेलती हुई और इस मैच को ये रन आउट मना किया अंपायर ने और ओवर की समाप्ति। कितने उनतीस रनों से वैशाली वीर योद्धा 5वां मैच और 5ों मैच